चलिए आज का जो टॉपिक है वह है आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या है सिंप्लीफिकेशन? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सरलीकरण क्या होता है। अगर जिसको दिखाई नहीं दे रहा है आप वहां से उधर बैठ सकते हो, ठीक है, लेकिन सही से बैठ जाओ, पहले सही से बैठ जाओ। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, और सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिएगा। बैठिए बेटा। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन को कहते हैं क्या, सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। आप लोग किताब में नहीं देखिए, सबका दिमाग यहां होना चाहिए। इसमें कुछ नियम पढ़ेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन में कुछ नियम पढ़ेंगे। उस नियम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बॉडमॉस का नियम क्या है। बॉडमॉस होता क्या है, ब्रैकेट क्या होते हैं, पहले किसको सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, कि डिवीजन करते हैं, कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना काम हम लोग करेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, कि हम लोग जानेंगे किसका नियम, बॉडमॉस का नियम। ध्यान दीजिएगा, बॉडमॉस के बाद फिर हम बात करेंगे साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। उसके बाद आपको समझाएंगे ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं। अगर ये सब जान जाओगे ना, तो हमको नहीं लग रहा है कि बॉडमॉस के नियम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। और ये मान के चलो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस 100% बनते हैं। आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मेरी बात समझ रही है ना? जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। जैसे मान लीजिए बॉडमॉस के नियम में क्या था कि बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, ए से क्या होता है और एस से क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ए का मतलब होता है एडिशन और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को। इसका मतलब होता भैया ब्रैकेट, दिमाग यही होना चाहिए, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन ये होगा, एडिशन का मतलब साइन ये होगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब साइन ये होगा, डिवीजन का मतलब साइन ये होगा, ऑफ का मतलब भी बेटा का होता है, गुणा होगा, ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कोष्टक, क्या होता है, कोष्टक। ये ध्यान से देख लो आप, ये ध्यान से देख लो, ठीक है, ये ध्यान से आप देख लो। देखिए ध्यान से, बॉडमॉस का जो नियम आप जान जाओगे, ये टोटल
ब्रैकेट क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑफ क्या होता है, जब ये जान जाओगे तो क्वेश्चन को कैसे लगाना है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले पता होना चाहिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, का को पहले काटिए वा पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ को, ऋण को लियो घटाए। यही है, का को पहले काटिए, अगर उसमें का आ गया है तो का को पहले काटिए, सवाल के अंदर अगर का आया हुआ है तो का वाला भी सवाल बताएंगे आपको समझ में आएगा, तब भाग देंगे, का को पहले काटिए वा पीछे दो भाग, गुणा करो किसको, धन जोड़ को, ठीक है, ऋण को लियो घटाए। लास्ट में कौन काम करते हैं, लास्ट में काम होता है घटाने का, लास्ट में काम क्या होता है घटाने का, मतलब पहले का अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले का, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, एंड लास्ट आपका क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहता है। ये तो हो गया। ये साइन क्या है, साइन का मतलब होता है चिन्ह, क्या होता है चिन्ह, चिन्ह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कल आपको अगर समझा दिया जाए आपको चिन्ह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे प्लस का अगर मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिंप्लीफिकेशन आपकी एग्जाम का। प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करते हैं तब भी माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। ये हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन का, साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये हो गया। मेरी बात समझ आ रही है ना, जैसे एग्जांपल इस पर दूं, हम एग्जांपल दें कि भैया माइनस चार का मल्टीप्लाई करो माइनस चार में कितना होगा, तो पहले माइनस का माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा करो माइनस के साथ क्या आता है प्लस, अब फिर करो नंबर का नंबर में, चार का चार में, चार चौक को 16, ये होता ऐसे हो प्लस 16। अब आप धीरे धीरे आपका क्लास जो क्लास है ना बढ़ेगा, अभी मत सोचो कि हमारा क्लास सब कम हो रहा है, हम छोटे बच्चे रह गए हैं, नहीं, धीरे धीरे कंपटीशन के लेवल पे आप पहुंचोगे। फर्स्ट एग्जाम आपका रहेगा नवोदय का, उससे अपर जाओगे और कोई एग्जाम आएगा, उससे और ऊपर जाओगे और एग्जाम आएगा, तो ऐसे आपका लेवल बढ़ेगा। छोटा मत समझो कि हमारे पास इतना बर्डन हो जाएगा या हम कैसे पढ़ेंगे, अरे पढ़ना तो है आपको 100% है, अगर पढ़ाई करना है बेटा तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब आप इसको पता हो जाएगा, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, ये ध्यान समझो पहले, उसके बाद इस पर दो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे आप कर लोगे, टेंशन एकदम मत लेना। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ये, ठीक है, पहला को बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, क्या बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक, या इसको हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक, क्या कहते हैं रेखा कोष्टक। किसी के ऊपर लग गया है तो सबसे पहले उसी का काम करेंगे। दूसरी बात, इसको देख डरो मत, सर ये कहां से कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं, पहले आप समझो ध्यान से, कोई सीख के नहीं आता है, ए सीखता बेटा, धीरे धीरे सीखोगे तो सीख जाओगे। दूसरा ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलेंगे इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक, क्या बोलते हैं छोटा कोष्टक। हम सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं जैसे जैसे ब्रेक होता है, पहले किसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद किसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद किसको ब्रेक करेंगे, हम सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं कैसे कैसे ब्रेक होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है मझला कोष्टक, ये मझला कोष्टक है, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट।
मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। और लास्ट में होता है, इसे कहते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बिग मींस क्या होता है? बड़ा। बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये हुआ कोष्ठक के टाइप्स। इतने टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के कोष्ठक आपको दे सकता है, इस तरह के साइन देंगे। पहले भाग होगा, गुणा होगा, हो सकता है डबल बार माइनस हो जाए, हो सकता है डबल बार प्लस हो जाए। तो ये इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। ये आपका पहला लेक्चर हम आपको दे रहे हैं इस पर। लेक्चर नंबर कौन सा होगा आपका? फर्स्ट, ठीक है ना। यह है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये बॉडी मास का नियम है, ये इसका साइन है, और ये आपका ब्रैकेट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो आप, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कोई बच्चा अगर कोई डाउट हो, हाँ डाउट अब बनेगा, कब? जब इस पर क्वेश्चन बताएंगे तब, ठीक है। अभी तो हमने फार्मूला बताया है। एक बात और है, अगर यहां आप समझ लिए, मान लो डाउट क्रिएट हो रहा है, आप पूछ लीजिए, फिर घर पे आप इसको देख लीजिए एक दो बार, एकदम दिमाग से हट जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन घर पे जरूर देखिए इसको एक बार, वॉच करेंगे 20 मिनट 25 मिनट का टाइम निकाल के आप आराम से। अगर चाहते हैं कि हमारा एग्जाम बीट हो जाए, अगर चाहते हैं कि मुझे आ जाए जो एग्जाम फॉर्म डाले हैं उनका भी, जो नहीं डाले हैं उनको भी, ये चाहते हैं कि हमको सीखना है, तो आप कई बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे बेटा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। मैथमेटिक्स तो ऐसा चीज होता है जो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। किस पर डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, 100% है, ठीक है। तो आप बना के चलो क्या, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से घर पे आप देख लीजिएगा, इसको रोक रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां समझिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ये ब्रैकेट के साथ है और ये बिना ब्रैकेट का है, बिना ब्रैकेट का है। कैसे सवाल लगाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट अगर आ गया तो कैसे लगाएंगे, अब बिना ब्रैकेट आ गया तो तब कैसे लगाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुन रहे ना। देखिए इसको लगाते समय आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 माइनस मझले कोष्ठक के अंदर, 3 माइनस छोटे कोष्ठक के अंदर दिया है, 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर दिया है रेखा कोष्ठक। इसे कहते हैं बेटा रेखा कोष्ठक। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये है आपका कर्ली ब्रैकेट। लास्ट में क्या होता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है। लास्ट में ब्रैकेट बंद हुआ है ना, ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 2 माइनस 3 माइनस, पहले इसको आप नीचे उतार लो, 3 माइनस 2। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ये 3 है, 3 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सर कैसे लगाएंगे इसको, हाँ देखिए 3 माइनस, सब उतार लेंगे ऐसे जैसे कर रहे हैं, 4 यहां तक। अब देखना बेटा जिसके ऊपर रेखा लगा हुआ है, ये रेखा कोष्ठक, जिसके यहां रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, पहले रेखा कोष्ठक को ब्रैकेट करेंगे, पहले रेखा कोष्ठक को ब्रेक करेंगे। तो बताओ 3 में से 2 जाए, 1, यहां 1 हो गया। अब जैसे घटाओगे ना, ये कुछ करता नहीं है, ये अपने ऊपर घेरा हुआ है, कवर लगाया है। अब जब कवर लगाया हुआ है तो नीचे का अगर काम हो गया ना, तो कवर अपने आप हट जाता है, हट गया कवर। 3 में से 2 जाए, अगर मान लो यहां प्लस रहता तो, मान लो यहां प्लस रहता तो जोड़ दो, 3 2 5, या 5 रहता तब भी हट जाता, ठीक है। बहुत बड़ा काम नहीं है। अब यह हट गया, एक ब्रैकेट हट गया, अब एक ब्रैकेट बचा,
अब क्या करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस, अब इसको भी हटाना है, ये तब हटेगा जब अंदर का सॉल्व करोगे, 4 में से 1 जाए 3। अब बताओ बाहर क्या है, माइनस है, अंदर घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस में आएगा ना, बाहर माइनस अंदर प्लस, तो माइनस लिखेंगे, 4 में से 1 जाए 3। देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब क्या बचेगा भैया, आगे देखो, यहां तो 2 होगा माइनस 3 में से 3 जाए 0। जैसे घटाओगे ना अपने आप हटता चला जाएगा, जो भी काम ब्रैकेट के अंदर करोगे ना अपने आप ब्रैकेट हटता चला जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपके दिमाग की बात है कि आप दिमाग की थिंकिंग क्या रखते हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे ना आप आराम से कर लोगे, ओके। तो अब बताओ यहां 0 तो उत्तर क्या आएगा आपका, 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए रहेंगे, ऑप्शन आप करोगे, ठीक है। अब आइए यहां पे, कहां पे, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया हुआ है, 25 गुणे 63। हाँ इसको ध्यान समझिएगा, 25 गुणे 63 ध्यान से देख लीजिए, भागे क्या दिया है 7, प्लस क्या दिया है 27, माइनस क्या दिया है 2, को सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। एक बात बताओ, इसको अगर सिंपल करना है, क्या करना है, सिंपल करना है, सरल करना है, तो मुझे एक बात बताओ, बॉड मास का नियम क्या पढ़े थे, बॉड मास का नियम आपने क्या पढ़ा, बॉड मास, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट को मत छुइए, का भी नहीं है, का को मत छुइए, डी से क्या होता है, डिवीजन, क्या होता है, एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ए से क्या होता है, एडिशन, और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो पहला काम क्या करेंगे, डिवीजन का, भाग का। अभी मैं सोचना, देखो 25 गुणे 63 ध्यान रखिएगा, 25 गुणे 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2, तो पहला काम हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, पहला काम क्या करें भैया, भाग करेंगे, बाकी को उतार लेंगे, जैसे जैसे हम कर रहे, ध्यान देखिएगा, 25 गुणे, बस 7 63 में 7 का भाग दो, 9, 7 9 यहां 9 लिख देंगे, सही है, फिर जैसे है उतार लो, प्लस 27 माइनस 2, जब भाग हो गया तब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, देखो भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा, तो गुणा करेंगे, 25 9 225, अब प्लस क्या, माइनस क्या, 2, जब भाग भी हो गया गुणा भी हो गया, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 25 में 27 जोड़ दीजिए, 225 में 27 जोड़ दीजिए, तो जोड़िए तो कितना आएगा, 7 5 12, 2 2 4 और 1 क्या, 5, और ये आपका 2, 252, 252 में अब घटाना वाला काम कीजिए, 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 250। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सिंपल है कि नहीं, पहला काम क्या करेंगे, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद, उसके बाद, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, करते रहेंगे आराम से, कर लोगे, कर लोगे ना, इसको आप नोट कर लो। चलिए देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन इस तरह के आ गए, किस तरह, फ्रैक्शन के आ गए,
फ्रैक्शन का भी रूल वही होगा जो रूल आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रैक्टिस आप करोगे ना, जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग खुलेगा आपका। देखिए 1/3 डिवाइड है 2/3, प्लस है 4/3, इंटू है 5/3, माइनस है 6/3 का 7/3 को सरल कीजिए। अब का को मत चक्कर पढ़ना, बस का आ गया ना तो सबसे पहले बॉडमॉस के रूल में आपने क्या पढ़ा, का को पहले काटिए, वह पीछे दो भाग, तो पहले का को काटिए फिर काट काटने के बाद भाग दीजिए। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिए, ये कुछ जब नया सवाल आपके सामने आता है ना तो सीखने में बड़ा मजा आता है। 2/3 प्लस 4/3 सबको उतार के लिए चले जाओ, लेकिन जिसका काम रहेगा उसी काम करेंगे। 6/3 का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा ही होता है, का मतलब भी गुणा होता है, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समझते रहना का मतलब क्या होता है गुणा। 7/3 गुणा दिया रहेगा तब भी हमको दिक्कत नहीं है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, का लिख दो। ठीक, का मतलब भी गुणा होता है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में पता रहना चाहिए ये गुणा है। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, गुणा में तो आपने काटा होगा ना ऐसे ही, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब फिर उतारेंगे इसको, 1/3 / 2/3 प्लस 4/3 × 5/3 माइनस 7 × 14, 14, 3 × 1 = 3, इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले मैंने किसको ब्रेक किया, का वाले को, का मतलब क्या होता है गुड़ा, गुड़ा में पता ना कैसे करते हैं गुड़ा, ऊपर से ऊपर काटेंगे नहीं, नीचे से ऊपर काटेंगे, नीचे से ऊपर काटेंगे, ऊपर से नीचे काटेंगे, साइड भी काट सकते हैं। ठीक है, ये होता है रूल। अब ये नहीं कि ऊपर का ऊपर ही काट दो, ये समझाया ना, कभी भी ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, नीचे से नीचे नहीं कटता है, क्रॉस कटता है, अप और डाउन कटता है, मेरी बात समझ रहे ना। चलिए अब बताओ, जब बॉड मास के नियम में किसको पहले, का को पहले काटिए वा पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ को, ऋण को लियो घटा, यही होता है। पहले भाग का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को, मेरी बात समझ रही है ना। तो ये वाला काम तो हो गया, अब किसको करना है देखिए, भाग दीजिए इसका, कैसे देंगे 1/3। एक बात बताओ, आपको जो भाग पढ़ा रहे थे भिन्न का, तो एक बात याद आ रही है ना, भाग को मैंने क्या कहा था, गुणा में चेंज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 3/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बाकी सिंबल ऐसे उतार लेंगे, 4/3 × 5/3 माइनस 14/3। तीन से तीन क्या हुआ, कट गया, तीन से तीन क्या हुआ, कट गया। अब ऊपर क्या बचेगा, एक बटे दो, यहां लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 1/2, यहां क्या होगा प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 14/3। अब क्या करेंगे, का हो गया, भाग हो गया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो गुणा करिए, 1/2 धन 5 × 20, 20/3 माइनस 14/3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक बात बताओ, जब गुणा हो जाएगा फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, पहले इसको जोड़िए ना, 3 और 2 का लघुत्तम पता है कि नहीं पता है, पढ़ाए थे, पढ़ाए थी, पढ़ाए थे इस तरह का सवाल,
क्या करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, बस लास्ट है। अब देखो यहाँ देखिए, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर देखिए, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ देखिए 1/2 प्लस क्या है 20 अपॉन 3 माइनस 14/3। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम, ये पहले ये काम करिए, 3 × 1 = 3, 20 × 2 = 40 और 3 × 2 = 6, ये बताए थे ना। या तो एक काम करिए, तीनों का ले लीजिए एलसीएम, तीनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 3 = 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 20 × 2 = 40, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 28, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 40 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43, और 43 में से 28 जाएगा, 43 में से 28 जाएगा कितना होगा 13 में से 8 जाए 8 × 5 = 13, यहां बचेगा 3, 3 में से 2 जाए 1, प्लस 15, 15/6 कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5/2 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1/2, कोई ऑप्शन है क्या इसमें, नहीं है ऑप्शन, 2 × 1/2 कहां मिस्टेक हुआ जी, मिस्टेक कहां हुआ है, मिस्टेक हुआ, चेक करो मिस्टेक कहां हुआ, 1/3 / 2/3, 4/3, 5/3 माना 6/3 गुणा किया गया, 3 × 2 = 7, 2 × 14 = 3, सही है। फिर यहां पे मल्टीप्लाई 1/3, 3/2, 3 × 3 कट गया 1/2, हमने लिख दिया 1/2, फिर 4, 5, 3, 3, ठीक है। फिर 5 × 20, 20/3, 20/3 हो गया, फिर 14/3, 14/3 हो गया, फिर हम जोड़ेंगे 3, 2 और 3 क्या हो जाएगा 3 × 2 = 3, 20 × 2 = 40, 43, 43 में से 28 जाएगा कितना आएगा 15 आएगा, सही है ना, 43 में से 28 जाएगा 15 आएगा, 15/3, सही तो है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, देखिए मिस्टेक कहां दिखाई दे रहा है, मिस्टेक आपका सब सही है, मिस्टेक यहां पे आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 में कितना आएगा 9, यहां 9 होगा, ठीक है। अब जब 9 हो जाएगा तो ऊपर वाला भी मिस्टेक होगा, ऊपर वाला, आप लोग ध्यान से देखिए, देखा करो दिमाग कहां रखे हो। अब देखो 1/2 प्लस 20/9 माइनस 14/3, इसका ले लो एलसीएम पहले, अब प्लस करिए, 9 × 1 = 9, इसका करोगे तो 20 × 2 = 40, 9 × 2 = 18, इसको आप उतार लेंगे नियम के अनुसार चलेंगे, 40 और 9 = 49, 49/18, अब माइनस 14/3, इसका ध्यान दीजिए, अब इसका लेंगे एलसीएम, 18 और 3 का एलसीएम क्या होगा 18 होगा, 18 × 1 = 18, तो 49, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 84, कितना होगा 84, 84 में से अगर जाएगा आपका 49, कितना हो जाएगा 84 में से 49 चला जाएगा, तो 9 × 6 = 15 होता है ना, 9 × 5 = 14 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 7 × 4 = 3, -35 / 35/18, देखो ऑप्शन सही आ रहा है क्या, -18 × 18 = 18, 7 = 35, सही है, आ जाएगा आपका -1
17 अपॉन क्या 18। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होने पर सवाल आपका मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान से सब कुछ सही गया, रूल केवल मल्टी